Outlines of Essay, Tolerance by E.M. Forster. Introduction. शुरू में E.M. Forster कहते हैं, Assertion of the importance of a sound state of mind for civilization. Civilization के लिए हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, sound state of mind होने चाहिए. इसकी importance पे जोर देते हैं, assert करते हैं. और दूसरी बात, Critique of reliance solely on institutions for building a new world. एक नया संसार बनाने के लिए जो institutions हैं, जैसे कोई corporations हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर निर्भर रहना, केवल मात्र उन्हीं के ऊपर निर्भर रहना, तो इसकी भी वो आलोचना करते हैं, क्योंकि ऐसे संभव नहीं हो सकता. इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंट्रल थीम, जो मुख्य थीम है, द नेसेसिटी ऑफ द प्रॉपर स्पिरिट, स्पेसिफिकली टॉलरेंस. ये कहते हैं कि टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता, सहनशीलता, ये अपने आप में इसकी ज़रूरत है, नेसेसिटी है. यही एक प्रॉपर स्पिरिट है, यही एक प्रॉपर सोच है, यही एक इनका सेंट्रल थीम है, जिसके लिए इन्होंने ऐसे लिखा है. ऐसे का नाम भी यही है, टॉलरेंस. ये होगी तभी नया संसार बनाया जा सकता है, बढ़िया संसार बनाया जा सकता है. द लिमिटेशंस ऑफ लव इन पब्लिक अफेयर्स, तो ये कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि लव पब्लिक मामलों में ज़्यादा ज़रूरी होता है, यही काम कर सकता है, परंतु E.M. Forster कहते हैं इसकी लिमिटेशंस हैं. कॉमन बिलीफ इन लव एज अ की वर्च्यू फॉर रिबिल्डिंग सिविलाइजेशन. लोग कहते हैं लोग प्यार से रहें एक दूसरे के साथ, और तभी हमारी जो सभ्यता है वो रिबिल्ड होकर अच्छे ढंग से चल पाएगी. और ये आर्ग्यूमेंट देते हैं अगेंस्ट लव. वो कहते हैं कि लव अपने आप में अच्छी सभ्यता, संसार को अच्छे ढंग से नहीं चला सकता, क्योंकि एज एन इफेक्टिव फोर्स इन पब्लिक लाइफ, तो वो ये पब्लिक लाइफ में लव इतने इफेक्टिव नहीं है. वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इसके अगेंस्ट, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी देते हैं ऑफ द फेलियर ऑफ लव इन पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक मामलों में प्यार इतना काम नहीं आया, और इन्होंने एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे क्रिश्चियन सिविलाइजेशंस का दिया है मिडिल एजेस में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का दिया है. द कंसेप्ट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा नहीं वहाँ पर चला, इस तरीके से बहुत ही उथल पुथल हुई. तो ये कहते हैं कि प्यार जो है पब्लिक मामलों में कामयाब नहीं है, इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं. द केस फॉर टॉलरेंस, अब वो टॉलरेंस की बात करते हैं, सहिष्णुता, सहनशीलता, जो कि प्यार से अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. डेफिनेशन ऑफ टॉलरेंस एज एंड्योरिंग डिफरेंसेस, क्योंकि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें टॉलरेंस की, तो हमें एक दूसरे के जो मतभेद हैं उन्हें सहन करना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट विद लव. और अपने आप में जो टॉलरेंस है वो लव के कंट्रास्ट में कहा जा सकता है. टॉलरेंस एज ए लेस ड्रामेटिक, ये कम नाटकीय है, मोर प्रैक्टिकल वर्च्यू. परंतु अगर हम प्रैक्टिकल उसमें देखें तो ये जो गुण है ज़्यादा प्रभावशाली है. लैक ऑफ रिकॉग्निशन फॉर टॉलरेंस इन हिस्ट्री एंड कल्चर, अगर हम देखें पास्ट में, कभी भी हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में इसको एक बहुत बढ़िया गुण के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. टॉलरेंस इन ए क्राउडेड वर्ल्ड, अगर हम कहें भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इस प्रकार के संसार में टॉलरेंस ही एक कारगर तरीका है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी देते हैं भी किस तरीके से वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, किस तरीके से उनमें विभिन्नताएँ हैं. द इनएविटेबिलिटी ऑफ इनकाउंटरिंग डिसएग्रीएबल डिफरेंसेस, उनमें जो मतभेद हैं वो एक दूसरे से सहमत हो ही नहीं सकते, तो इस तरीके से ये अपने आप में अवश्य है, क्योंकि हर कोई अलग सोच के साथ होता है. तो इस तरीके से कैसे उनको इनकाउंटर किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे शांति बनाए रखी जा सकती है. टॉलरेंस एज ए सोल्यूशन टू को एग्जिस्टिंग इन ए डाइवर्स वर्ल्ड, तो इस प्रकार सा जो संसार है जहाँ इतने मतभेद हैं, तो यहाँ पर टॉलरेंस जो है को एग्जिस्टिंग सोल्यूशन के रूप में काम कर सकता है. टॉलरेंस वर्सेज एक्सट्रीमिस्ट सॉल्यूशंस, टॉलरेंस की तुलना E.M. Forster जो है एक्सट्रीमिस्ट मतलब बिल्कुल अपने आप में चरम सीमा के जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं उनके साथ भी करते हैं. द नाजी सॉल्यूशन, जर्मनी में जैसे नाजीवाद आया था तो उनके वाला सॉल्यूशन. एलिमिनेशन ऑफ डिसएग्रीएबल एलिमेंट्स, जिनको आप पसंद नहीं करते, जिनसे आप डिसएग्री हो, उनको एलिमिनेट कर दो, उनको मार दो या मरवा दो. एडवोकेसी फॉर टॉलरेंस एज द डेमोक्रेटिक ह्यूमन ऑल्टरनेटिव, और कहते हैं कि जो टॉलरेंस है इसकी वकालत करते हुए कहते हैं कि ये ज़्यादा लोकतांत्रिक और मानवीय विकल्प है.
टॉलरेंस एज द फाउंडेशन फॉर ए सिविलाइज्ड फ्यूचर, एक सभ्य फ्यूचर के लिए अपने आप में ईएम फोस्टर कहते हैं टॉलरेंस जो है एक मूल उसके बेस के रूप में काम कर सकता है। द नेचर ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस की नेचर क्या है वो भी बताते हैं ईएम फोस्टर। टॉलरेंस एज अ नेसेसरी वर्च्यू इन डेली लाइफ एंड पब्लिक इंटरेक्शंस, हमारी डेली लाइफ में ये अपने आप में एक आवश्यक गुण है और हमारे पब्लिक इंटरेक्शंस में भी, लेन देन में भी, डीलिंग में भी, वार्तालाप में भी। टॉलरेंस इन्वॉल्विंग इमेजिनेशन एंड एम्पथी, टॉलरेंस के अंदर हमारी इमेजिनेशन भी आ जाती है, हमारे दूसरे के प्रति सहानुभूति भी आ जाती है। डिफरेंशिएशन बिटवीन टॉलरेंस एंड वीकनेस, और वो डिफरेंशिएट भी करते हैं कि जो हमारी टॉलरेंस है उसको वीकनेस ना समझा जाए, और ये अपने आप में एक क्वालिटी है, गुण है जो कि हमें अपनाना चाहिए। टॉलरेंस इन रीबिल्डिंग सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन सभ्यता बनाने के लिए, उसको दोबारा पुनर्निर्माण के लिए जो टॉलरेंस है उसके रोल को बताते हुए कहते हैं द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क ऑफ रीबिल्डिंग सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है उसका पुनर्निर्माण अच्छे ढंग से तभी हो सकता है, मतलब ये हालांकि अपने आप में बहुत जटिल काम है, जब टॉलरेंस एज एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट इन दिस प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस में एक जरूरी कॉम्पोनेंट के रूप में हम टॉलरेंस को इन्वॉल्व करेंगे, मीन्स इसको शामिल करेंगे, ऐसी हमारी धारणा माइंड सेट बनेगा तब बात बनेगी। द नेगेटिव वर्च्यूज, इम्पोर्टेंस ऑफ बींग नॉन इरिटेबल नॉन रिवेंजफुल, क्योंकि अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो ये अपने आप में जो हमें भावना अपने अंदर उत्पन्न करनी है कि किसी से चिढ़ना नहीं है, किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है, तो इन सारी चीज़ों को ये इम्पोर्टेंस जो है वो टॉलरेंस जो है ये अपने आप में गुण है जो इन चीज़ों को एम्फेसाइज करता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, टॉलरेंस एज ए मेकशिफ्ट सॉल्यूशन फॉर एन ओवरक्राउडेड प्लैनेट, हमारा जो प्लैनेट है वो ओवरक्राउडेड है, बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन है, तो टॉलरेंस इसमें एक अपने आप में बहुत बढ़िया सॉल्यूशन के रूप में काम कर सकता है। स्पेकुलेशन ऑन द फ्यूचर रोल ऑफ लव इन पब्लिक लाइफ, जैसा कि लोग सोचते हैं कि पब्लिक लाइफ में लव जो है अपने आप में फ्यूचर रोल बहुत बढ़िया अदा कर सकता है, परंतु ईएम फोस्टर कहते हैं कि पब्लिक लाइफ में लव कामयाब नहीं है, सिर्फ प्राइवेट या पर्सनल लाइफ में ज़्यादा कामयाब है। होपफुल परस्पेक्टिव ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ लव इन अ वर्ल्ड बिल्ट ऑन टॉलरेंस, हाँ ये कहते हैं कि जो टॉलरेंस के ऊपर आधारित हम जब संसार बनाएंगे, एक दूसरे को सहन करेंगे, एंड्योरेंस होगा, तब बाद में उनमें लव पनप सकता है, इस चीज़ की वो आशा भी व्यक्त करते हैं। थैंक यू।